वलसाड जिले के उमरगांव के यूआईए के अध्यक्ष श्री श्याम विजयन और पप्पू भाई से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा जी ने। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कुछ बताने के लिए। हम लोग 2 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे और हमारा जो मैनिफेस्टो था जो इलेक्शन का, उसमें एक तो हमारे जो पेंडिंग काम थे, जब भी हमने चार्ज लिया तभी रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से रुके हुए थे वो अब हमने सब पूरे क्लियर किए। सौरभ बिल्डर से जो काम करवाना था वो क्लियर किया, GIDC से जो तालमेल नहीं था वो तालमेल बढ़ाया, और जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें थी जो 4-4 सालों से प्रोजेक्ट अटके हुए थे वो क्लियर कराए। RMB का जो रोड था वो एकदम जर्जित हालत में था, 4-lane प्रोजेक्ट, वो हमने उसको रिकार्पेट करके, पैचवर्क करके, थोड़ा थोड़ा करके पूरा रोड क्लियर करवाया। और सबसे ज़्यादा जो हमारा बेसिकली जो पानी वारोली से बहुत वेस्ट हो रहा था, हमने पानी वारोली का जो स्कीम, जो काफ़ी सालों से पानी वेस्ट हो रहा था, वो पानी का वेस्टेज का पूरा रेलवे से परमिशन लेके हमने जो उसका रेलवे के अंदर उसमें पाइपलाइन डाल के वो पूरा वेस्टेज बंद कराया। जो पुरानी कमेटी ने उसको 1.25 करोड़ रुपये में सेंक्शन किया था वो पूरा प्रोजेक्ट हमने 29 लाख रुपीस में कंप्लीट किया। ये हमारे लिए बहुत यानी अच्छी उपलब्धि थी। 25 साल से कोई ट्रेन उमरगांव में स्टॉप नहीं हुई थी, किसी का स्टॉपेज नहीं मिला था, और हमने उसको वो भी हमने पहले पकड़ के चला था कि हमको ट्रेन की ज़रूरत है, ट्रेन ज़्यादा आएंगी, उमरगांव का डेवलपमेंट होगा। तो अभी हमारा जो कि वो प्रोजेक्ट पूरा, एक ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, लोक शक्ति का स्टॉपेज मिल गया, उसमें हमको हमारे जो MP साहब हैं, हमारे MLA साहब हैं और हमारे मित्र ऐसे देवजी भाई पटेल जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और ये प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करने में मदद की। और सबसे बड़ी बात है, 25 सालों से एक प्लॉट का उलझन पड़ा हुआ था जो आरा होटल के बाजू में कम्युनिटी हॉल का प्रोजेक्ट था, वो प्लॉट जो है उसका विवाद हमने क्लियर किया और जो मैटर जो प्लॉट है वो UI के अंदर लिया और अलॉटमेंट उसका लिया। मैं कहना चाहूँगा कि GIDC पहले उमरगांव तो था, पहले मैं देखा जब 20 साल पहले उमरगांव की जो कंडीशन थी GIDC की, उसमें और आज जमीन आसमान का फर्क है। पहले इंडस्ट्रीज काफी बंद थे, आज डेट में इंडस्ट्रीज जो बंद थी वो चालू है, उसके बावजूद भी नए नए काफी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई हुई है। उमरगांव का माहौल इतना बढ़िया है कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो उनके सहयोग में आप लोग कहाँ कहाँ तक काम कर रहे हैं। मेरे समझ से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम अभी भी नजर आता है कि GIDC में रोड तकलीफ दे रहा है, क्या कहना था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, GIDC में रोड की दुर्दशा काफी ज्यादा थी। अभी हम तकरीबन जो AII प्रोजेक्ट्स में 3rd फेज और 52 हेक्टर दोनों का जो हमारा एरिया अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उसकी जो अप्रूवल लेनी थी, GIDC की कुछ रूटीन काम इतने स्लो चलते हैं कि उनको फॉलोअप करते करते दम निकल जाता है हमारा, और सब एक एसोसिएशन में जो भी है वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको पता है कि उसको खुद की इंडस्ट्री भी चलानी है और ये प्रोजेक्ट भी हैंडल करने हैं, तो एक ऑफिसर को बार बार फॉलोअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी 1.5 साल से हम लोग उस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं और टच वुड वो सब अभी क्लियर हो गया है, AII प्रोजेक्ट हमारा पास हो गया है, इंडस्ट्रियल उसमें भी क्लियर हो गया है। अभी वो जैन के फर्स्ट जब भी गवर्नमेंट का नया पॉलिसी के नाम से वो आएगा उसमें वो हमको क्लियरेंस मिलेगी और रोड बन जाएंगे, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना इंडस्ट्रीज और बढ़ेगी और सहूलतें और अच्छी होंगी। जैसा कि मैं बता दूं कि पप्पू भाई खुद एक इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और आज से नहीं है, काफी दिन पहले से हैं, पेंसिल बनाते हैं, बच्चों का शॉर्पनर बनाते हैं, सब स्टेशनरी का कारोबार है इनका। पप्पू भाई, इंडस्ट्रीज के लिए जो कुछ भी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए उमरगांव में लगभग UIA ने पूरा कर दिया है क्या, या कुछ बाकी आपके नजर में भी दिख रहा है जो करना चाहिए? बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी टेक्निकल लैब नहीं है जिससे इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली हम लाभ दे सकें। एक अच्छा हॉस्पिटल जो है उसकी एक आवश्यकता है, और कम्युनिकेशंस जो है, जो ट्रेन कम्युनिकेशन है, रोड कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी पुअर है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। नई GIDC में हॉस्पिटल के एक बहुत बड़ा प्लॉट है हॉस्पिटल के लिए,
उसके बारे में कहीं आगे कोई चर्चा चला है क्या कि उसमें हॉस्पिटल निर्माण किया जाए, क्योंकि उमरगांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। बहुत जल्द हॉस्पिटल का काम निर्माण शुरू हो जाएगा, काफी हद तक सब अटकल मीन्स जो भी अड़चने थी हमने दूर कर ली है और कुछ ट्रस्टों के साथ हमारा चर्चा चल रही है जिससे हमारा ये काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और एक मिडल टाइप का एक हॉस्पिटल बनाएंगे और बाद में उसको धीरे धीरे और बड़ा करेंगे। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, उमरगांव UIA जो हॉल है मैं देख रहा हूँ उसका काफी पुअर स्थिति है, बहुत दयनीय है, और उमरगांव के अंदर में एक वही जगह है जहाँ पे लोग शादी या कोई भी फंक्शन प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आई अंदर से लेके बाहर तक। एक तो पार्किंग की समस्या है और दूसरा कि अंदर में लाइटिंग वाला जो पोल वगैरह है काफी डैमेज परिस्थिति में है, सर सफाई का पूरा ध्यान नहीं है। इसके बारे में आप लोग कुछ सोचे हैं आगे कुछ कि उसमें डेवलप करें, बढ़िया सा एक हॉल बनाए, बढ़िया सा उसको बनाए सिस्टम से, इसके बारे में कुछ बताइए आप। जो कम्युनिटी हॉल है उसका, उसके लिए हमने नया कम्युनिटी हॉल का प्लान अप्रूवल करवा दिया है जी, और बेसिकली ज़्यादा जो रुके हुए थे कि जो प्लॉट का एक आगे का है जो अलॉटमेंट जो पेंडिंग था वो उसके लिए पूरा वेट कर रहे थे, अभी वो अलॉटमेंट भी हो गया है तो एक बढ़िया सा बेहतरीन प्लॉट होगा जिसके अंदर पूरा इंडोर क्या बोलते हैं एक स्टेडियम जैसा रहेगा। बहुत अच्छा प्लानिंग किया है और जैसे नई टीम्स आएंगी जैसा होगा ये काम चलता रहेगा और बहुत जल्द बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भाई, काफ़ी काम इन्होंने बताया कि हमने किया है, काफ़ी करने जा रहे हैं उमरगांव GIDC के लिए। 2 साल लगभग इनका पूरा हो जाएगा मार्च में, प्रेसिडेंट के तौर पे ये रहे, इसके पहले ये 2 बार सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ पे, तो GIDC से काफ़ी अवगत हैं और इनसे हम भविष्य में काफ़ी उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि GIDC के बारे में नॉलेज जानकारी इनको है कि यहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है। इन्होंने 2-4 पॉइंट जो बताया है, हॉस्पिटल पहले जरूरी का विषय यहाँ पे नहीं है, दूसरा रेलवे से कनेक्टिविटी जो कि उमरगांव में कम है, और तीसरा जो हॉल के बारे में मैंने चर्चा किया कि वहाँ पे फंक्शन प्रोग्राम करने के लिए वो बेहतर परिस्थिति उस हॉल की नहीं है। तो मैं भविष्य में ये उम्मीद करूंगा कि पप्पू भाई ये हमारे उमरगांव GIDC के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत